जो भी नौजवान हमारी बात को सुन रहे हैं, आपको अच्छी लगती हो चाहे ना लगती हो, जरूर ख्याल रखिएगा, हमेशा अपने माँ बाप से आशीर्वाद जरूर लिया करें। सुबह सवेरे उन्हें जो भी आप कहते हैं, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सलामेकम, जो भी आप कहना चाहते हैं कहिए, पर आप झुक जरूर जाइए, क्योंकि जो माँ के कदमों में झुकता है वो समझ लीजिए उस मालिक के चरणों में झुकता है, क्योंकि माँ के कदमों में जन्नत होता है। अच्छी बात है अगर आप माँ के कदमों में झुकें, बाप के लिए सत्कार करें, उसके कदमों में भी झुकें, वो आपको साया बन के बड़ा करते हैं, आपके सिर पे छत्र छाया रखते हैं अपनी, तभी आप बड़े होते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अपने घर से शुरुआत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके माता पिता सही रास्ते पे नहीं है, कई बार हो जाता है ऐसा, हमारे पास ऐसी चीजें आती, चिट्ठियां आती हैं, बातें आती हैं, तो फिर भी आप उन्हें बुरा मत कीजिए, लड़ाई मत कीजिए, राड़ से बाढ़ अच्छी, उनकी निंदा मत कीजिए। बाकी नौजवानों, अच्छे कर्म कीजिए, किसी की बुराई मत कीजिए, किसी को गलत मत कहिए, सारे धर्मों से प्यार कीजिए, हर धर्म हर जात उस परमपिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु राम की है। सो सबसे प्यार करो, बुराई को कभी अपने अंदर आने ना दो, बुराई से दूर रहो, हो सके तो समाज से बुराई को हटाओ, जो कि 128 कार्य करते हुए सारे सासंगत यूथ मिलके बुराई को हटा रहा है। तो शाबाश, कीप इट अप, बढ़ते जाइए आगे। आपके पोस्ट इतने आ रहे हैं, मैं तेरी यादों में इतना खोया हुआ हूँ कि खुद से मुलाकात के लिए भी टाइम लेना पड़ता है, तो बड़ी खुशी की बात है। आप इतना प्यार करते हैं एक फकीर से, तो यकीनन हम मालिक से दुआ करेंगे, वो आपको खुशियों से लवरेज करें। दिन गंदे गाने ये सुना करते थे, आजकल मालिक के नाम के जैज रैप गाते नजर आते हैं। ये उसका रहमो करम है, उनका जादू है और इनका इष्ट बुलंदियों पे है। और यही मुर्शिद ने फरमाया कि अधेड़ बुजुर्ग तो पीछे क्या रहेंगे, नौजवान इतने आगे बढ़ जाएंगे, इतनी जवानियां मालिक की आशिक हो जाएंगी कि असली नजारे दोनों जहां के तो वो लूटा करेंगे जिनका बचपन का प्यार होगा, जवानी का प्यार होगा। और वाकई आज आप देख लीजिए, आज यहां साथ संगत बैठिए, इसमें बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, अधेड़ हैं, जवान हैं, और यहां तक हम निगाह जाती है तो वाकई जवानी ठाठी।